So hello and welcome again to our channel Techie Mohit. Subscribe and like our videos to get more. तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हमारी क्लास 11 का चैप्टर 4 पाइथन फंडामेंटल्स. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज हम समझने वाले हैं सिंपल इनपुट एंड आउटपुट यानी कि इनपुट फंक्शन. तो चलिए इसे शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैंने अपना शेल ओपन कर लिया है और उसके बाद मैंने इंटरेक्टिव मोड में नहीं स्क्रिप्ट मोड में भी एक फाइल ओपन कर ली है. तो चलिए अब हम सिंपल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं. तो इनपुट फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि हमें स्क्रिप्ट मोड में ही इसका ज़्यादातर यूज़ करना होता है और इनपुट फंक्शन से हम यूज़र से कोई वैल्यू रीड कराने का काम कर सकते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया है ए. तो अब ए के बाद हमें यहाँ पर इनपुट फंक्शन लगाना है. तो हमने लगाया यहाँ पर इनपुट, उसके बाद हमको यहाँ पर दो सर्कुलर ब्रैकेट और एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देनी है जो भी हम यूजर से वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं उसके बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन. जैसे कि मुझे यूजर से एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर नंबर. तो अब यूजर जब भी हम इसे रन करने जाएंगे तो यूजर को जब सबसे पहले वो हम इसे रन करेंगे तो वहाँ पर शेल पर यूजर को एक नंबर इनपुट करने के लिए ये बोलेगा. तो चलिए अब हम इसे प्रिंट ले लेंगे. तो वहाँ पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एंड देन स्ट्रिंग वेरिएबल. तो यहाँ पर वेरिएबल भी लिख दिया है. अब हम इसे सेव कर लेते हैं हमारी फाइल में. तो हम इसे एबीसी में सेव कर लेते हैं. तो ये सेव हो गया है. तो अब हम इसे रन कर लेते हैं. तो देखिए जब जैसे ही मैंने इसे रन किया तो यहाँ पर ये यूजर से एक वैल्यू की डिमांड कर रहा है. तो अब हम यहाँ पर एक वैल्यू डालते हैं 45. तो अब जब हम इसे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 45 प्रिंट हो जाएगा. ये इसीलिए हुआ कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, जो आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं ए बी सी डी या फिर कोई सा भी वेरिएबल आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर इनपुट फंक्शन जो होता है वो सबसे पहले यूजर से डिमांड करता है इनपुट फंक्शन की यूजर से जिस टाइप की आपको वैल्यू चाहिए उसके लिए आप इनपुट फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं. तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर इंटर नंबर नाम की स्ट्रिंग क्रिएट करी और उसके बाद फिर मैंने उसी स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया. अब इस पर आप ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल्स टू a प्लस 5. तो अब जब मैं यहाँ पर इनपुट यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा a को तो यहाँ पर एक एरर जनरेट करेगा. देखिएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया ए और अब मैंने इसको रन कराया तो यहाँ पर एक एरर जनरेट हो जाएगी. जैसे ही मैंने यहाँ 45 लिखा ये एरर जनरेट हो गई. अब ये एरर क्यों जनरेट हो गई? क्योंकि यहाँ पर जब भी हम इनपुट में वैल्यू देते हैं तो इनपुट में वैल्यू देते टाइम यहाँ पर हर वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप से ही वो कंसिडर करता है, इसीलिए उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है. तो इसीलिए हम यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इनपुट के आगे भी एक छोटे से कोड का यूज करते हैं जिसे हम या तो इंट या फिर फ्लोट या फिर कॉम्प्लेक्स, इन तीनों में से किसी का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं. तो इस टाइप से यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा और इसे स्ट्रिंग की जगह अब वो एक इंटीजर वैल्यू कंसिडर करेगा. तो मैंने इसको सेव कर दिया है वापस से और अब मैं यहाँ पर जब 45 लिखूंगा तो आंसर आ जाएगा 50. ये क्यों आया? क्योंकि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फिर यहाँ पर हमने डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया है कि यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है तो इसीलिए यहाँ पर ये इंटीजर ही मानेगा और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं. उसके बाद हमने उससे यूजर से एक नंबर की डिमांड करी है इनपुट फंक्शन डाल के, फिर हमने उस पर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करा दिया. जैसे मैंने ये जो वेरिएबल ए था इस पर फंक्शन परफॉर्म करा दिया ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 5, मतलब जो भी यूजर वैल्यू डाले उस ए पर 5 प्लस हो जाए और उसके बाद जो वो ए है वो प्रिंट हो जाए. तो इस टाइप से कर सकते हैं. यहाँ पर एक और चीज़ यूज हो सकती है, ए प्लस 5 ना लिखते हुए आप यहाँ पे प्लस इज इक्वल्स टू 5 लिखेंगे तो भी सेम फंक्शन परफॉर्म होगा. देखिए 45 दैट 50. तो इस टाइप से यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. तो यहीं पर हमने यह भी लिख रखा है कि डिस्प्ले जो होता है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज करता है तो हम इंट फ्लोट और कॉम्प्लेक्स भी यूज कर सकते हैं इसको इस टाइप की वैल्यू रीड कराने के लिए. और अब हम समझ लेते हैं आउटपुट थ्रू प्रिंट स्टेटमेंट. तो प्रिंट स्टेटमेंट से आउटपुट निकालने का भी आप इसमें ही समझ गए होंगे कि जैसे कोई भी हमने
लिखा है प्रिंट और यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पर शेल में आउटपुट आ जाएगा। तो इस टाइप से प्रिंट फंक्शन से भी आउटपुट निकाला जा सकता है। तो इसी प्रोग्रामिंग में अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जिससे आपको प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक पार्ट समझ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल यूजर से ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद उसका एरिया कैलकुलेट करके देने का एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए वो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर से लेंथ लेते हैं। तो लेंथ लेने के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ काय में आएगी, फ्लोट में या फिर इंट में। तो हम फ्लोट ले लेते हैं क्योंकि अगर पॉइंट में लेंथ हुई तो वो इंटीजर टाइप सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया है फ्लोट। उसके बाद हमने ले लिया है इनपुट, फिर यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देंगे एंटर लेंथ। तो यहाँ पर इस टाइप से ये स्ट्रिंग क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद ब्रेथ, तो ब्रेथ के लिए भी सेम ही लेंगे फ्लोट इनपुट। तो इस टाइप से हमने लेंथ एंड ब्रेथ ले लिए। अब हम यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करके देना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ नाम के हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्रिएट कर चुके हैं। तो हम लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ पर लिख सकते हैं और हमने यहाँ पर फ्लोट भी दे दिया है तो इस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ एंड देन हमने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज किया है। प्रिंट फंक्शन में हमने लिख दिया प्रिंट, यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं बनानी है तो डायरेक्ट एरिया आएगा और बस अब हमें इसे रन कर देना है। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर प्रोग्राम चालू हो जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डाली है 32.5, तो ये फ्लोट में है इसलिए हम पॉइंट में भी डाल सकते हैं। पॉइंट में नहीं भी डालेंगे तो वो फ्लोट में ही रहेगा। वो जब हम इसे एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉइंट के बाद 00 लगाकर हमें बता देगा। तो फ्लोट दिया है तो फ्लोट में ही वैल्यू कैलकुलेट करता है लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पर लेंथ एंड कर चुके हैं हम, फिर ब्रेथ भी कर दी है एंटर एंड देन वी गेट द एरिया। तो इस टाइप से हमारा प्रिंट फंक्शन के साथ और इनपुट फंक्शन के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट हो सकता है। इसी टाइप से और भी प्रोग्राम क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि हम 3 नंबर्स लें और उनका सम प्रिंट कर दें। उसके लिए भी सिंपल है कि यहाँ पर आपको लेना है a इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर और फिर इस टाइप से तीन वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद उनका सम प्रिंट करना है। तो आप यहाँ लिख देंगे सम इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c एंड देन यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट सम। तो उस टाइप से ये सम वाला फंक्शन भी परफॉर्म हो सकता है। तो इस यहीं पर हमारी इस वीडियो का एंडिंग होता है और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए, और आपके काइंड सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।